पिछले वीडियो में हमने शब्द निर्माण के बारे में पढ़े थे, जिसमें हमने प्रत्यय के बारे में प्रत्यय के उपसर्ग के बारे में पढ़ा था। अभी हम प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रत्यय मतलब उपसर्ग का विलोम। उपसर्ग जो है शब्द के आगे लगता है, प्रत्यय शब्द के पीछे लगता है। तो शब्दों के अंत में लगकर जो शब्दांश उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे जलज, पंकज आदि। तो जलज का यहाँ उदाहरण दिया है। तो जलज में जल है, जल में जल प्लस कर दिया तो जल का मतलब होता है पानी, जल का मतलब होता है उत्पन्न। तो इसका मतलब हो गया क्या, जो जल में उत्पन्न होता है वो कौन सा है, वो कमल। ऐसे ही पंख का मतलब होता है टीचर, इसका मतलब होता है पानी और इसका मतलब होता है टीचर। तो टीचर का उत्पन्न होने वाला क्या है, कमल। तो इसका भी यही मतलब है कि जैसे उपसर्ग जो है शब्दों में बदलाव लाते थे उपसर्ग लगने के बाद, वैसे ही प्रत्यय लगाने के बाद जो है शब्दों में बदलाव आ जाता है, अर्थ में बदलाव आ जाता है। कृत प्रत्यय, प्रत्यय जो है कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला कृत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय। जो प्रत्यय धातु अथवा क्रियाओं के अंत में लगते हैं, जो प्रत्यय धातु अथवा क्रियाओं के पद में लगते हैं, अंत में लगते हैं, वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। इनके योग से बने शब्दों को कृदंत कहते हैं। जो है इनके योग से यानी इनसे जो शब्द जुड़ते हैं वो क्या कहलाते हैं, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे राखन हार, लिख प्लस आवट लिखावट। ऐसे ही और है प्रत्यय अब और दौड़ना, तो उसको दौड़ा धावना, क्योंकि धावने का मतलब भी होता है क्या, दौड़ना। तो धावक। फिर दूसरा है ये अब करते था आप करते, तैरना एक क्रिया है, तैरना क्या है क्रिया है। पाठ पठित जो है धातु है, लेख धातु है, इसमें क्या आएगा तैरा। आई आगे प्लस अगाड़ी। बाकी ऊ प्रत्यय है, आउ प्रत्यय। ऊ प्रत्यय में कमाओ चलाओ, आउ प्रत्यय में ये ऊ प्रत्यय है। जैसे काम कमाओ, आउ प्रत्यय में प्लस आउ प्रत्यय में जोड़ दिया हमने टिकना।
जो ज्यादा नहीं चले, चलाओ चलना प्लस आओ, क्या हो गया चलाओ। ऐसे आ का प्रत्यय धड़ाका धमाका, आलू प्रत्यय में झगड़ालू, और एरा प्रत्यय में लुटेरा सपेरा आदि। फिर आव बहाव चढ़ाव, आई प्रत्यय में भिनाई लिखाई कढ़ाई कमाई आदि। आहट प्रत्यय चिकनाहट घबराहट, वाला प्रत्यय पढ़ने वाला रखवाला। इस तरह से धातु या क्रिया से जुड़ने वाले शब्दांश जो है कृत प्रत्यय कहलाते हैं। दूसरा है तद्वित प्रत्यय। दूसरा क्या है? तद्वित प्रत्यय। उसका उदाहरण देखते हैं, तद्वित प्रत्यय वो प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम या विशेषण आदि शब्दों से उनके अंत में जुड़कर नए शब्द बनाते हैं उनको तद्वित प्रत्यय कहते हैं। जैसे प्रत्यय है तद्वित प्रत्यय, या प्रत्यय लगने से लुटिया डिबिया खटिया आदि। आल प्रत्यय का ससुरा
समास है दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। समास रचना में दो शब्द होते हैं, पहला पद जो है पूर्व पद कहलाता है और दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। समास शब्दों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहा जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर गजानन, जहां पहला पद और दूसरा पद मिलाकर किसी तीसरे पद की ओर
भेद करते हैं। मतलब मैंने पहला उदाहरण दिया था इसमें गज यानी एक पहला है और दूसरा आनंद है, लेकिन इन दोनों का मीनिंग तीसरा क्या होता है गणेश जी, एकदम एक दांत वाला, एक यानी संख्या दांत यानी दो, दो पद हो गए, लेकिन तीसरा क्या निकलता है गणेश जी, त्रिनेत्र तीन नेत्र वाला, त्री यानी तीन नेत्र यानी नेत्र आंख, तो तीन आंखों वाला कौन है शिव, यानी तीसरा संकेत हो रहा है, तीसरे पद का संकेत हो रहा है। फिर दूसरा है पांचवा है द्वंद्व समास, जिस समास पद में दोनों पद समान हो वहां द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास में द्वंद्व का मतलब होता है कि टकराव, तो इसमें जो है दोनों पद समान है, अन्न जल, अन्न और जल, अपना और पराया, अमीर गरीब, अमीर और गरीब, आशा और लाभ, इस तरह से आशा और निराशा। इसमें क्या विरोधी भी है, जैसे आशा और निराशा विरोधी शब्द है, तो यानी इसमें द्वंद टकराव है, इसे इसको द्वंद समास कहते हैं। फिर छठा है अव्ययीभाव भाव समास, जिसमें पहला पद क्या हो अव्यय हो, अव्यय क्या होता है जो बदलता बदला नहीं जा सकता, जिसको उसको अविकारी शब्द होता है। ये दोनों पद मिलकर अव्यय की तरह व्यवहार करते हैं, उसे अव्ययीभाव भाव समास कहते हैं। जैसे प्रतिदिन, आजीवन, प्रतिदिन प्रति जो है अव्यय है, आ अव्यय है, आमरण बेठ खटके, गांव गांव, यथाशक्ति यथाविधि आदि, ये अव्ययीभाव भाव के उदाहरण है। नमस्कार, ये आपकी बुक में दिया हुआ है, तो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ओके।